बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बम्बई का ख़ास ग्रीन कीमा जो होटलों में मिलता है और जो लोग बड़े शौक से खाते हैं, हर होटल में मिलता है, नॉनवेज होटल में तो वहाँ पर जाकर लोग जो है इसको बड़े शौक से खाते हैं पाव के साथ, पराठों के साथ। तो आज वही कीमा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमने आधा किलो मटन कीमा लिया है, इसको धो लिया है हमने और छन्नी में रख दिया है ताकि इसका पूरा पानी निथर जाए। उसके बाद हमने ली है यहाँ पर दो प्याज, जिसे हमने मोटे स्लाइस में काटा है और ये हम जब भूनेंगे तब उसमें गल जाएगी। ये पांच हरी मिर्चें हैं, इसको हम पीस लेंगे। लहसुन की कलियाँ हैं, बहुत एक पूरा लहसुन डेढ़ लहसुन के करीब है और इसे हमने छील लिया है और ये लहसुन हम पूरा डालेंगे क्योंकि इस कीमे में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे छील कर हमने धोकर रखा हुआ है। ये अदरक, लहसुन और मिर्चें हम पीस लेंगे। और ये नींबू है जो हमने आधे से भी आधा इसको काट के रखा है टुकड़ों में और ये भी हम कीमे में शामिल करेंगे और इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत से लोग डालते हैं ये कीमे में और ये बताते नहीं कि हमने ये डाला है, तो इससे जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हम डालेंगे, ऐसे ही शामिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर गर्म मसालों में काली मिर्च है और ये आधा चम्मच के करीब है, दो इलायचियाँ हैं, हरी इलायची है और चार पांच लौंगे हैं और थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े, छोटे टुकड़े हैं, हमने ये लिए हैं। और बाकी गरम मसाले का जो है पाउडर हम जब हमारा कीमा तैयार हो जाएगा तब हम उसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद हरे मसालों में हमने लिया है यहाँ पर ये मेथी की भाजी है, ये फ्रेश मेथी है और इसे भी बहुत अच्छी लगती है, कीमे की जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। और ये सोए की भाजी है, इसे दिल कहते हैं और ये भी जायके को बढ़ाती है, हाजिम है, हाजमा अच्छा करती है। और ये बहुत सारी हमने कोतमीर ली है, ये तकरीबन डेढ़ मुट्ठी के करीब कोतमीर है, ये भी उसमें जाएंगी और इससे भी जायका हमारे कीमे का बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके अलावा हमने इसमें मटर डालने हैं, जो मटर हमने फ्रेश लिए हैं और ये मटर हम शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिएगा, अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पर दो दरमियानी साइज़ के आलू, जिसको हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और ये तेल और नमक तो है ही हमारे सामने। अब हम बताते हैं कि सूखे मसालों में हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच। लाल मिर्चियाँ हमारे लिए कोई काम की नहीं, हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ज़ीरा एक चम्मच डालेंगे, साबुत ही डालेंगे। और उसके बाद में जब हमारा कीमा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फाइनल स्टेज पर रहेगा, तब हम उसमें ये पिसा हुआ होम मेड गर्म मसाला जो है वो शामिल करेंगे। तो ये सारी चशियाँ हमने आपको दिखा दी है और अब जो है हमारे पकाने के प्रोसीजर की तरफ चल रहे हैं। अभी हमने ये गैस ऑन कर दिया है और इस पर कुकर रख दिया है, कुकर गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और बिस्मिल्लाह। और ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। ये हमने तकरीबन 100 ml के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और उसमें हम ये अपने गर्म मसाले जो खड़े मसाले हैं वो डालेंगे। थोड़े मसाले तड़केंगे तब हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज कलर हल्का ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद दिखाते हैं आपको। प्याज हमारी तकरीबन आधी ब्राउन हो गई है, प्याज का कलर चेंज हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब यहाँ पर हम इसमें आँच को स्लो करेंगे, गैस को स्लो करके और इसमें मसाले शामिल करेंगे। एक चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है,
अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और बाद में देखिए मसाला डालें ताकि ये जले नहीं। अदरक लहसुन में थोड़ा मॉइस्चर है तो ये हमारी हल्दी जो है वो नहीं जलेगी और ये अदरक लहसुन भी अच्छे से इसमें भून आ जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक चम्मच भर के धनिया और एक चम्मच साबुत जीरा। मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के हमने ये मसाले का पानी इसमें डाल दिया और इसमें हम थोड़ा भूनेंगे। लाल मिर्च का हो या हरी मिर्च का, कोई भी आपको सालन बनाना है तो आप सबसे पहले हल्दी को तेल में डालिए ताकि उसका जो कलर होगा, अगर ग्रीन है तो ग्रीन कलर बहुत अच्छा आएगा और अगर लाल सालन बना रहे हैं तो पहले हल्दी डालने से लाल कलर का सालन आपका बनेगा। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे कलर जो होते सालन के वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो आप ऐसा ये ट्रिक अपना कर देखिए कि पहले आप उसमें हल्दी डालिए, हल्दी को थोड़ा भूनिए और उसके बाद आपको जो भी डालना है, हरा मसाला डालना है या लाल मसाला डालना है, तो आपकी जो ग्रेवी होगी उसका कलर बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे ये जो आपको हमने बताए थे नींबू के दो टुकड़े, ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमे को हमने बहुत अच्छे से धो के और पूरा पानी इसका निथार लिया है। ये रूखा कीमा है, इसने में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है, अगर इसमें चर्बी है फैट है तो आप ऑयल कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम आधी कोथमीर डाल देंगे इस वक्त में, आधी कोथमीर और मेथी वगैरह सब हमने रख दिए, बाद में मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे। अब इसमें हम नमक डालते हैं हसबे जायका, जैसे आपको पसंद है जितना आपको ले सकता है उसमें भी शामिल कर दीजिएगा। ये आधा चम्मच हमने इसमें अभी नमक मिला दिया है, बाद में चखेंगे अगर कम लगा तो फिर से डालेंगे ऊपर से थोड़ा और नमक अगर ज़रूरत हुई तो। हम कुकर की लीड बंद कर देंगे और उसको एक सीटी आने तक पकने देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके ताकि ये जले ना, थोड़ा सा पानी मसाले के कुकर में मिक्सर में ही डाल के हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी लेकर और फिर ठंडा करके खोल कर रखेंगे और आगे का प्रोसीजर करेंगे। एक सीटी होने के बाद में हमने गैस को बंद कर दिया था और अपने आप सो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसका प्रेशर निकल गया और हमने अभी ढक्कन इसका खोल दिया, अभी गैस की फ्लेम जो है हमने बंद कर दिए और अभी आपको ऑन करके बताते हैं। इसका पानी सूखा नहीं है, पानी अभी मौजूद है। हम इसमें मटर डालेंगे और इसको पानी सूखने देंगे और भूनेंगे। ये मटर डाल दें, आलू भी शामिल कर देते हैं। इसका भी स्लो आंच पे हम 10 मिनट तक पकने देते हैं ताकि मटर और आलू अच्छे से गल जाए, उसके बाद आके आपको सब्जियां शामिल करनी है तब बताते हैं। कुकर में हमें जो ये आलू और मटर डालकर पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और मटर और आलू गल चुके हैं, पानी भी इसका सूख गया है, तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमारी मेथी की भाजी है और सोए की भाजी है ये शामिल करेंगे। अब
हरा धनिया थोड़ा डालेंगे, बाकी का गार्निशिंग के लिए रखते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट हमें इसे पकाना है और 5 मिनट के बाद आपको बताते हैं। भाजी भी पक गई है इसमें और बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज सूखा ही खाना है, सूखा ही बनाना है, घर में सूखा ही की फरमाइश है, तो इसके लिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। और इसमें अभी 1 चम्मच मुझे गर्म मसाला पिसा हुआ शामिल करना है। जो कोथमीर मैंने बचा ली थी उसमें से फिर थोड़ी कोथमीर मैं इसमें शामिल करती हूँ और थोड़ी गार्निशिंग के लिए रखती हूँ। हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करते हैं। देखिए नाजरीन, हमारी ये जो है कीमे की डिश तैयार है, हरे मसाले का हरा कीमा जो बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और मेरा अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखिए। ये डिश को बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।